भारतीय ट्रेन में 55 साल तक नहीं था टॉयलेट, तो फिर क्या करते जानिए, फिर क्या करते थे यात्रीगण। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की कि 1853 में चली थी पहली भारतीय ट्रेन। साल 1853 में भारत में पहली बार ट्रेन चलाई गई थी, क्या आपको इसकी जानकारी है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शुरुआत में नहीं थी ट्रेन में टॉयलेट। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जो आज आप टॉयलेट देखते हैं, वॉशरूम देखते हैं ट्रेन के अंदर, वो पहले नहीं था। शुरुआती ट्रेनों में टॉयलेट नहीं था, तो फिर क्या था, फिर कैसे 55 साल तक बिना टॉयलेट सफ़र करते रहे यात्री। ट्रेन में टॉयलेट न होने का सिलसिला 55 साल तक चलता रहा, और जब ट्रेन में टॉयलेट नहीं होता था तो लोग बड़ी समस्या होती थी, कहाँ पर वॉशरूम जाएं। ट्रेन में जब यात्रियों को सोच लगती तो उन्हें तब तक अपने पेट दबाकर बैठे रहना पड़ता जब तक कोई स्टेशन नहीं आ जाता। अजीब स्थिति थी। अखिल चंद्र सेन ऐसे शख्स थे जिनकी वजह से भारतीय ट्रेनों में टॉयलेट लगाने की शुरुआत हुई। अखिल चंद्र सेन, इनका नाम आप याद रखिए। फिर बात करते हैं, दरअसल अखिल चंद्र एक स्टेशन पर टॉयलेट के लिए रुके थे, इस दौरान उनकी ट्रेन छूट गई थी। अब अखिल चंद्र ने इसकी शिकायत पश्चिम बंगाल के साहेबगंज मंडल को पत्र लिखकर की। उन्होंने अपनी शिकायत में ट्रेन में टॉयलेट लगाने का अनुरोध किया था। 1909 में पहली बार लगा था टॉयलेट। भारतीय रेल में पहली बार टॉयलेट का इम्प्लीमेंटेशन 1909 में हुआ था। जय हिंद, जय भारत।